Assalamu alaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. This is Munif Tahir and welcome back to another video. तो जैसा कि हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी जो है काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, तो आज भी जो है वो यूनिवर्सिटी की सीरीज़ में मजीद आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे। वैसे मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था और इस पर मेरा अपना भी इरादा था वीडियो बनाने का। तो यूनिवर्सिटी के बारे में तो काफ़ी बातें होगी यार, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में। अच्छा, तो यार मैं वैसे थोड़ा सा जनरली भी बताऊंगा और ये है कि मैं जो है वो स्पेसिफिकली यूईटी मर्दान का बताऊंगा, बिकॉज मैं यूईटी मर्दान में हूँ, तो इसलिए जो है मैं आपको बताऊंगा कि यूईटी मर्दान का हॉस्टल कैसा है, कब सब कुछ जो है आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में क्या लाना है, क्या अलाउ है, क्या नहीं अलाउ, एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको ये करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है एज ऑलवेज, और जो है अगर आपको वीडियो पसंद है और ये कि जो है अगर आपको लगे कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो यार सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी मजीद देरी के। अच्छा यार, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, मतलब मैं हर चीज़ का वन लाइन आंसर देता होता हूँ, तो इस क्वेश्चन का भी मैं वन लाइन आंसर दूंगा कि क्या यूईटी मर्दान का हॉस्टल अच्छा है। तो हाँ बिल्कुल यार, इसका सिंपल सा आंसर है यस, यूईटी मर्दान का हॉस्टल अच्छा है, ठीक है। तो पर्सनली आई डोंट लाइक यूईटी देखो यार सच मुंह पे आ ही जाता है, अब क्या करे बंदा, लेकिन ये है नहीं है, टू बी ऑनेस्ट आई लाइक माय यूनिवर्सिटी, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये है कि मैं मर्दान का कह रहा था कि एज अ सिटी लाइक मर्दान इज़ अ डेवलप्ड सिटी और अच्छा है, ऐसा नहीं आपको कुछ नहीं मिलता या कुछ नहीं होता, बट ये है कि इन्वायरमेंट वगैरह आई पर्सनली डोंट मच लाइक इट, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे कोई इतना खास आई एम नॉट अ फैन ऑफ मर्दान। बट ये अगर यूनिवर्सिटी के अंदर के माहौल वगैरह की बात की जाए तो एवरीथिंग इट इज़ अ लॉट बेटर, लाइक कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब जहाँ तक आती है जो है यूईटी के हॉस्टल की बात, यूईटी मर्दान का हॉस्टल जो है वो किस मामले में मैं कह रहा हूँ अच्छा है, कि वहाँ जो है इस तरह की ओपन एक्टिविटीज़ नहीं होती जिस तरह के बहुत से हॉस्टल में, इवन के दूसरी यूईटीज़ के हॉस्टल में भी जो है होती हैं कुछ चीज़ें इस तरह की, लाइक ड्रग्स कम हैं, ड्रग्स जो है मतलब अगर आपको आप अगर ड्रग्स लेते हो फिर तो आपको जो है आपके लिए बुरी बात है, ठीक है। तो अगर आप चर्सी शराबी पोडरी नहीं हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो है इस तरह का कोई, और इस पर जो है काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, और वाकई मतलब कहने की नहीं, वाकई स्ट्रिक्टनेस है कि अगर कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी करेगा उससे पहले वो 10 मरतबा सोचेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी अगर उसमें इतनी हिम्मत हुई तो यार हिम्मत वाले लोग होते हैं, खैर करता कोई नहीं। अच्छा यार, उसके बाद हम लोग आते हैं कि आपको जब हॉस्टल आना है तो क्या लाना है, जो कि बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन भी आया था कि यार हम हॉस्टल क्या लाए साहब, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में उसे आंसर करना चाहता हूँ कि आपको यार जितनी भी आपके यूज़ की चीज़ें हैं ना, आप सब कुछ लाएँ यार, ठीक है। अब जो है आपको अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखना है, सब हॉस्टल्स में ऐसे ही होता है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट यूईटी मर्दान या यूईटी पिशावर और समथिंग और नस्ट, ये बिल्कुल जो है डिपेंड करता है हॉस्टल्स पर डिपेंड करता है। बट मेरी सजेशन अगर लेंगे ना यार, कुछ हॉस्टल्स हैं जो प्रोवाइड भी करते हैं ना मैट्रेस वगैरह, तो अगर तो वो नए मैट्रेसेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कोई इस तरह का हॉस्टल है फिर तो वेल एंड गुड, फिर आप जाएं। नहीं तो यार अगर कर भी रहे हैं, मेरा यही मैं प्रेफर करता हूँ कि यार अपना एक मैट्रेस ले जाएं, क्या ही होगा, मतलब कितना ही कोई कौन सा आसमान गिर जाएगा, एक मैट्रेस ही उठा के इस तरह ले जाएं, फिर 4 साल तक वापस नहीं आना है, उधर ही रहेगा, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। जाहिर है घर की चीज़ होती है, बंदा साथ लेके जाता है, साफ़ सुथरा होता है, तो थोड़ा बंदा जो है कम्फर्टेबल भी होता है, तो अपनी कम्फर्ट के लिए जो है आप साथ ले जाएं। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें मतलब आपके डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, आपका मतलब वट एवर, आपका कॉस्मेटिक्स, आपका जो है वो पढ़ाई की चीज़ें, किताबें ना मत लेके जाना यार, खुदा का वास्ता है, कोई काम नहीं आती किताबें आपको, ठीक है। इवन के उधर से लाइब्रेरी भी चलें, इस बारे में फिर एक वीडियो मुझे बनाने का प्लान है, लेकिन ये है कि इतना मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि क्या आपको नहीं लेके जाना है, ठीक है। और किताबें ख़रीदनी तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने ये बात सुन ली तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस पे मैं अलग टाइटल के साथ वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट यू शुड नॉट डू। तो यार किताबें खुदा का वास्ता ही नहीं ख़रीदना, कुछ जो है वो बच्चे होते हैं जी, वो स्कूल कॉलेज से नए नए यूनिवर्सिटी गए होते हैं ना, तो वो देखते हैं जी अपने कोर्सेज और उनकी बुक्स जो है वो ढूंढ के, तो यार जितने की बुक्स आपको पढ़ती है ना उससे अच्छे आप लैपटॉप ले, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन बड़ा आता है कि यार गैजेट्स लाऊं, अबे यार सब कुछ अलाओ यार, आप हाई स्कूल में नहीं आ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आ रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है आगे आपको, कुछ मैंने र्यूमर्स आपको आपको भी सुनने को मिलेंगे, ठीक है। मुझे अपने टाइम पे याद है कि हमारे सीनियर्स जी मोबाइल नहीं अलाओ, ये तो यूटी है, इधर जो है लैपटॉप जो है आप अपना नहीं ला सकते, मतलब इस तरह की काफ़ी सारी बातें सुनने को मिली। और यह है कि अगर जो है आप हाई क्लास हॉस्टल में, ठीक है, बहुत से ऐसे हॉस्टल्स हैं कि जो अलाउ करते हैं स्क्रीन्स,
स्क्रीन मतलब आप अपनी एलसीडी साथ लेके जा सकते हैं एज मतलब टीवी के लिए, ठीक है। और एलसीडी तो और कंप्यूटर एलसीडी लैपटॉप सब कुछ आप जो है मतलब इस तरह की जो आपके यूज़ की चीज़ें हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं आप जो है वो हॉस्टल में ला सकते हैं, यूटी मर्दान में भी। क्या नहीं ला सकते? ड्रग्स नहीं लाने यार, बाकी जो है सिगरेट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं लानी। और दूसरी बात यह है कि आपको और क्या नहीं लाना, जितने भी इलेक्ट्रिकल जो है हमारे पास गैजेट्स होते हैं और जो कि मतलब एक्स्ट्रा उसमें आते हैं, ठीक है, लाइक कोई प्ले स्टेशन उठा के ले आए तो इस तरह की चीज़ें नहीं है लाओ, कुछ छुपा के आपकी उसकी बात है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये कि आई विल नॉट रिकमेंड कि आप कोई भी इस तरह की चीज़ लाएँ जो नहीं अलाउ, सही है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक केटल वगैरह है वो उस तरह की चीज़ जो है फिर भी कभी अलाउ हो जाती है, कभी उस पर ज़्यादा सख्ती होती है, कहते हैं नहीं करें, तो ये भी उनके बिल पे डिपेंड करता है कि उनका क्या बजट बन रहा है। लेकिन ये है कि छोटी मोटी चीज़ें फिर भी चलती हैं। ये आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप एसी नहीं लगा सकते हैं और एयर कूलर नहीं ला सकते हॉस्टल में, इस तरह की चीज़ें नहीं ला सकते। बाकी जो आपकी डेली यूज़ की चीज़ें यार सब कुछ लाओ यार, कोई टेंशन नहीं है, सही है। और जो है इसके अलावा जो है हॉस्टल के बारे में ये है कि यार यूईटी में हॉस्टल कितने हैं और कितनी स्पेस है उनमें। तो दो हॉस्टल हैं यार, एक अब्दाली हॉस्टल है, दूसरे वाले का नाम भी मुझे नहीं आता सही से। तो वो जब आपको जब आप एडमिशन प्रोसेस पूरा करेंगे तो आपको हॉस्टल का भी पता चल जाएगा कि क्या प्रोसेस है, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, ठीक है, जब आप फीस सबमिट करने जाएंगे ना। और आई होप यार आपके सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आए होंगे ईटा में भी और जिसने दूसरे इंटरेस्ट्स दिए उनमें भी, और आपका अच्छी अच्छी जगह पर एडमिशन हो गया होगा। एंड आई नो आप एक्साइटेड हो हॉस्टल जाने के लिए और थोड़ा सा परेशान भी हो और आप ये भी सोच रहे होगे यार पता नहीं क्या होगा, कैसी लाइफ होगी। तो यार यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, तो इसको खूब इंजॉय करना। और आई जस्ट होप कि आप बहुत इंजॉय करो, आपको अच्छे दोस्त मिलें, अच्छे आपको जो है वो मेट्स मिलें। तो हॉस्टल लाइफ जो है वो दोस्तों से ही होती है, वो आपके रूम मेट्स से ही होती है, वो आपके मेट्स से ही होती है। अच्छा तो गाइस आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, या दिस इज़ ऑल अबाउट हॉस्टल। फिर भी अगर मेरे दिमाग में कुछ चीज़ नहीं आई क्योंकि इस टाइम रात को 10 बज रहे हैं और मैं अभी तक जो है वो ऑफिस में बैठा हूँ, तो हो सकता है मुझे कोई बात भूल गई हो, तो आप ज़रूर पूछना कमेंट्स में, आई ट्राई कि मैं सबको आंसर दूँ। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यू बेटर नो आपको क्या करना है। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। अस्सलाम वालेकुम।